कोरोना से चीन में हाहाकार, कल तक खुद की पीठ थपथपा रहे थे सी जिनपिंग, आज क्यों हुए लाचार। जीरो कोविड रणनीति को लेकर चीन के हालिया यूटर्न के बाद वहां कोरोना संक्रमण के मामलों और उससे होने वाली मौतों में तेज उछाल आया है। वैसे तो चीन ने सोमवार को कई हफ्तों के बाद कोरोना से पहली मौत की पुष्टि की थी, लेकिन उसके आंकड़े संदेह के घेरे में है। पाबंदियों के हटने के बाद कोविड से मौत के आंकड़ों को चीन बहुत कम करके दिखा रहा है। उसे अपनी कोविड स्ट्रेटेजी को अपने ही लोगों की तरफ से नवंबर में हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शन के बाद बदलनी पड़ी। लोग लंबे समय से लागू सख्त लॉकडाउन के खिलाफ सड़कों पर उतर गए। अब चीन का यूटर्न 2022 की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में हो सकती है। वुहान से शुरू हुए संक्रमण के दौर के बाद 2020 की शुरुआत में चीन थोड़ा सा लड़खड़ाया था, लेकिन उसके नेतृत्व ने जल्द ही दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी में सख्त लॉकडाउन लागू कर दिया। 23 फरवरी 2020 को राष्ट्रपति श्री जिनपिंग ने कोरोना को संकट के साथ साथ बड़ा इम्तिहान बताते हुए ऐलान किया कि सख्त पाबंदियां काफी कारगर हैं। उन्होंने इसे कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व और सोशलिस्ट सिस्टम की कामयाबी बताकर खुद की पीठ भी थपथपाई। जब दुनिया को समझ नहीं आ रहा था कि कोरोना महामारी से कैसे निपटें, तब चीन ने खुद को बाकी दुनिया से पूरी तरह काट लिया। कम्युनिस्ट पार्टी ने सीना ठोक कर दावा किया कि महामारी को लेकर उसके फैसले सही हैं और इससे समय रहते कारगर तरीके से कोविड को नियंत्रित किया गया। उन्होंने वुहान से लॉकडाउन हटा दिया और अमीर देशों के उलट कोरोना से करा रहे विकासशील देशों को कोरोना से निपटने में मदद करना शुरू कर दिया। मई 2020 वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की वर्चुअल ओपनिंग में सी जिनपिंग को एक ऐसे निर्णायक और विजेता वर्ल्ड लीडर के तौर पर पेश किया गया जो साझा भविष्य के लिए सबको साथ लेकर चलने के चीनी विजन की बात करता है। 2021 से पूरे साल बाकी दुनिया कोरोना से जूझ रही थी और वायरस लगातार फैल रहा था, तो म्यूटेट हो रहा था। कुछ अपवादों को छोड़ दें तो भारत उन प्रमुख देशों में रहा जिसने दूसरे जरूरतमंद देशों को वैक्सीन भेजा। ज्यादातर देशों ने दूसरे देशों की मदद के बजाय वैक्सीन को अपने लोगों के लिए रखा। एक आकलन के मुताबिक 2021 में कोरोना से 35 लाख लोगों की मौत हुई, लेकिन चीन दावा करता रहा कि उसके यहाँ कोरोना से एक भी मौत नहीं हुई और उसके लोग बिना मास्क के स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं।